सरकार विकास का लाख दावा कर ले मगर विकास धरातल पर नज़र नहीं आती है। आज भी लोग शुद्ध पेयजल को लेकर भटकते नज़र आ रहे हैं। यह मामला है घाटशिला के डुमरिया प्रखंड स्थित बहादा गांव का। बहादा गांव के ग्रामीण पहाड़ की तलहटी में चूहा बनाकर पानी पीने के लिए आज भी विवश हैं। गांव में तकरीबन 16 घर है और सभी सामाजिक दूरी को बनाते हुए पहाड़ की तलहटी से पानी लेने के लिए आया जाया करते हैं। बीते एक साल से गांव के लोग चूहा बनाकर ही पानी पी रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। गांव में 3 चापाकल थे लेकिन सभी खराब पड़े हुए हैं। पीएचडी विभाग ने चापाकल से पाइप भी निकाल लिए हैं। पाइप निकालने के समय ग्रामीणों से कहा गया था कि तुरंत यहां पानी की सुविधा कर दिया जाएगा, यहां पर जल मीनार बनाया जाएगा और नल से जल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ना ही जल मीनार बना और न ही चापाकल मरम्मत किया गया। पानी का लेकर लोग आज दर दर भटक रहे हैं। डुमरिया प्रखंड का बहादा गांव के लोग इन दिनों सड़क और पानी दोनों को लेकर परेशान हैं। गांव की हालत यह है कि बड़े बड़े पत्थरों से होकर ग्रामीणों का आवागमन है। पानी के लिए चूहा से लोग प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं घंटों पानी को लेकर परेशान हैं और अपने अपने बर्तन लेकर महिलाएं बच्चों के साथ यहां आती हैं और प्रतिदिन पानी को लेकर मशक्कत करती रहती हैं। अब यहां यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर 16 घर है और 16 घर के लोगों को पानी के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ रहा है। यह देखना है कि सरकार की नज़र कब यहाँ पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इस तरह का गंदा पानी लोग पी रहे हैं और जीवन जीने को विवश हैं, मगर विभागीय अधिकारी जवाबदेह अधिकारियों को इस पर ध्यान नहीं जाता है। यहाँ के कार्य कर रहे सामाजिक संस्था के द्वारा भी लोगों को जागरूक कर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की बात कही गई थी, मगर वह भी यहाँ कारगर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, अब हम उनकी बातों को सुनेंगे। थोड़ा हम लोग वहाँ से छोटा सा बनाया है, गड्ढा खोदा है, वहाँ का पानी हम लोग लाते हैं और वो भी उतना ये नहीं है पानी अच्छा, मतलब सबकी हम लोग उसी उन्हीं से हम लोग पानी लाते हैं और पीते हैं। और बहुत समस्या है, हम लोग चापाकल भी ख़राब है, हम लोग जितना चापाकल है सब खराब है। कितने चापाकल हैं गाँव में? चापाकल ऐसे लगभग हम लोग का टोला में 3-4 गो है और बहुत सा टोला है उस वहाँ पे बहुत है, वहाँ भी सब खराब है। कुछ हम लोग चंदा उंदा करके मिस्त्री ला के हम लोग वो बनवाया है और इस बहादा टोला का एक भी चापाकल ठीक। गांव को बहुत ही समस्या है कि पानी का व्यवस्था अच्छा नहीं है, कि अभी पेयजल वाला कुआँ से उसको ले जा रहा है, दूर से दिक्कत हो रहा है। अभी सुरक्षित वाला पानी नहीं मिल रहा है, दूषित वाला पानी से उस लोगों को पी रहा। अभी चापाकल बनना चाहिए, खराब हुआ बहुत दिनों, 6 महीने शादी हो रहा है, चापाकल नहीं बना हुआ है। अभी कुआं भी बना रहा है तो उसको भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी सबका जल्दी बनाने से अच्छा रहेगा।
बरसात का समय है, अब जहाँ से पानी पीते हैं वो कैसा व्यवस्था है? देखता है तो बरसात का पानी आता है? तो बरसात का पानी तो आता है और तो बह जाता है, फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। व्यवस्था तो नहीं है ऐसे। कभी प्रयास किए हैं कभी कि चापाकल बनने का, कभी ब्लॉक स्तर पे? हाँ, वो तो पंचायत सचिव को लिख कर दिया है कि चापाकल खराब हुआ है, बनाने के लिए प्रयास कीजिए। नहीं, अभी बोल रहा है। पानी का तो बहुत समस्या है, हम लोग जितना चापाकल है गांव में सभी खराब हो गया है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुआं बनाया है गड्ढा जैसे, उसी कुआं से हम लोग पानी पी रहे हैं। कितने दूर से लोग आते हैं, कितने चापाकल हैं, कब से ये ऐसी व्यवस्था बनी है? हो गया 6 महीना से ज़्यादा हो गया, खराब हो गया चापाकल। गांव में कुआं बन रहा था, ये वाला कुआं जो बन रहा था ये भी अधूरा हो गया, और 3-4 रोज जुड़ाई करने से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ क्या नहीं कोई पता नहीं, अभी जुड़ाई भी बंद हो गया है। अगर ये वाला कुआं बन जाता तो हम लोग का थोड़ा अच्छा होता, सामने होता।